दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में एक ऐसा भी गांव है जो ना तो देश के लोकतंत्र को मानता है और ना ही यहाँ के कानूनों को। इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव में यहाँ का अपना ही अलग कानून है और जो गांव का कानून नहीं मानता उसे सजा भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। क्या है इस गांव का नाम, क्या है यहाँ का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम, तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली के नॉर्थ ईस्ट में मलाना नाम का एक पुराना गांव है। यहाँ के लोग भारत के कानून को ना मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। यह गांव पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ये गांव पिछले कुछ सालों से एडवेंचर्स टूर और मैरिजुआना लवर्स के बीच खासा फेमस है। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्टों में विदेशी होते हैं जो मलाना क्रीम यानी मैरिजुआना की तलाश में यहाँ आते हैं। मलाना गांव चारों ओर से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत से तो ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर लगता है प्रकृति ने इन्हें स्वयं समय देकर बनाया हो। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। मलाना गांव पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले कुल्लू जिले के भुंतर तक पहुँचना होगा। भुंतर से लगभग 35 किलोमीटर, कुल्लू से 45 किलोमीटर व कसोल से 19 किलोमीटर की दूरी पर है यह गाँव। अब जानते हैं यहाँ पर बाई रोड कैसे पहुँचा जाए। हिमाचल रोडवेज की सिर्फ एक ही बस मलाना के लिए जाती है जो कुल्लू से चलती है। अगले दिन सुबह यही बस कुल्लू वापस आती है। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, शिमला, जालंधर, लुधियाना और पठानकोट से कुल्लू के लिए रेगुलर बसें हैं। यदि आप दिल्ली या चंडीगढ़ से यात्रा कर रहे हैं तो आप कुल्लू जाने के लिए वोल्वो बस ले सकते हैं। कुल्लू जाने वाली सभी बसें भुंतर बस स्टैंड से होकर जाती हैं। भुंतर में उतरकर आप मलाना तक जा सकते हैं। कसोल पहुंचने के लिए भुंतर से टैक्सी भी ले सकते हैं। कसोल से सबसे नज़दीक है मलाना गांव। 3 से 4 किलोमीटर की थकाने वाली ट्रैक के बाद मलाना गांव आता है। वहीं अगर ट्रेन से बात की जाए तो कुल्लू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है। पठानकोट से यहाँ के लिए हर दिन ट्रेन है। जोगिंदर नगर से हिमाचल रोडवेज की बस द्वारा या फिर प्राइवेट टैक्सी से कुल्लू पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों से चंडीगढ़ तक ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ से कुल्लू का जो रोड डिस्टेंस है वो लगभग 270 किलोमीटर का है। आप जानते हैं बाई एयर कैसे पहुंचे। मलाना से नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर है जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से भुंतर के लिए हर दिन एक फ्लाइट है, इसलिए फ्लाइट का भी एक ऑप्शन आपके पास ईजी अवेलेबल है। अब बात करें यहाँ के रीति रिवाजों की, तो माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए थे। बाद में इन नियमों को संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। तब से यहाँ 11 सदस्यों की एक काउंसलिंग है जो जमलू ऋषि का आदेश मानते हैं, जो कि वहाँ के पौराणिक देवता हैं। 11 सदस्यों के ग्रुप द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पूरा गाँव मानता है। सदन में हर तरह के मामलों को देवनीति द्वारा निपटाया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि मलाना गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने अलग कानून हैं। मलाना गांव में जगह जगह बोर्ड पर भी लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते। ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। अगर कोई बाहरी या टूरिस्ट यहाँ के घरों, मंदिरों और लोगों को छू लेता है तो उससे जुर्माना लिया जाता है। इस रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए बलि दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि जमलू देवता देते हैं, मतलब जमलू देवता द्वारा चयनित सदस्य देते हैं। अपनी इसी खास परंपरा, रीति रिवाज और कानून के चलते इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक सहेजने वाला गाँव कहा जाता है। इस गाँव में लोग राक्षसी भाषा भी बोलते हैं। इस भाषा को बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है तथा कई शोध के अनुसार यहाँ के लोगों की भाषा, उनका खान पान व शारीरिक लक्षण काफी हद तक ग्रीस के लोगों से मिलता जुलता पाया गया है। हालांकि अब स्थितियाँ बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों से नाखुश होकर गांव के लोग फैसले के खिलाफ प्रशासन और कोर्ट की सहायता ले रहे हैं,
जिसके बाद से काउंसलिंग ने विवादों पर फैसला सुनाना बंद कर दिया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में मलाना में हालात भी बदले हैं। गांव बाहरी दुनिया के लिए थोड़ा सा खुला है और आधुनिक जीवन जीने के तरीकों को अपनाया जा रहा है। इस गांव के पास पार्वती वैली में सबसे अच्छी क्वालिटी की मैरिजुआना की काफ़ी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। मलाना गांव की मैरिजुआना पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। हालांकि मौजूदा समय में इसकी खेती पर भी प्रतिबंध है। प्रशासन द्वारा भी इस पर रोक लगाने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। गांव के इतिहास को लेकर भी कई तरह की कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद ये लोग यहीं पर बस गए थे। इन्हीं सैनिकों ने मलाना गांव बसाया, तभी से इस गांव के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। वहीं दूसरी कहानी को लेकर इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। इस कहानी के अनुसार मलाना वासी अकबर को पूजते हैं। यहां साल में एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की एक बार परीक्षा लेनी चाही थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आपको गांव में आकर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इन कहानियों में भी कुछ बातें तो बिल्कुल सच हैं, वहीं कुछ बातें बनावटी भी लगती हैं। इसलिए यदि आप इस गांव की यात्रा कर रहे हैं, तो गांव के सभी नियमों का पालन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। यहां आकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जानते हैं मलाना गांव के आसपास में घूमने की कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नंबर 1, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। मणिकरण साहिब एक फेमस गुरुद्वारा है, जो कि सिखों का धार्मिक स्थल है, जो पूरे साल हजारों भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ गर्म पानी का झरना भी है, जो टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2, खीरगंगा। यह छोटा सा गांव पार्वती घाटी की गोद में स्थित है। गर्म झरनों, अधिक हरियाली से ट्रैकिंग तक, खीरगंगा में टूरिस्टों के लिए सब कुछ है। ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर्स लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर 3, तोस विलेज। मलाना के पास में तोस विलेज एक जगह है। इस गांव तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका पहाड़ी ट्रैकिंग करते हुए पहुंचना है। आपको यहां सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे दृश्य भी देखने को मिलेंगे। नंबर 4, पुलगा विलेज। पुलगा एक पर्यटन स्थल होने के नाते पुलगा बैकपैकरों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता है। यहां खूबसूरत छोटे लकड़ी के घर और कैफे हैं। यह हिमालय के चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा भी मलाना के पास में घूमने के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कुल्लू मनाली। अपनी अनोखी परंपरा, रीति रिवाज और यहाँ के कानून इस गांव को दुनिया से अलग बनाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग हटकर देखें तो ये गांव खुद ब खुद एक रहस्य सा है। आज के वक्त में भी ऐसे नियमों का पालन करना और कुछ ऐसी परंपराओं को मानना जिनके सच और झूठ का किसी को पता नहीं, ये अजीब और अटपटा कम बल्कि हैरान ज्यादा करता है। तो दोस्तों, ये थी मलाना गांव के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।